जाएगा। सस्ता कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर का हंगामा, राज्यसभा के बाद लोकसभा भी 2 बजे तक स्थगित। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हाउस अरेस्ट, पेगासस मामले में गवर्नर हाउस तक निकालने वाले थे मार्च। अधीर रंजन बोरे, काले कानून कृषि व्यवस्था को खत्म करने के लिए लाए गए, हम ये होने नहीं देंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर से लेकर संसद तक प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 मीडिया स्थानों पर छापेमारी। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश समेत देश भर में फोन टैपिंग के मामले को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। इसी कड़ी में लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करने निकले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ 150 पार्टी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लेकर रिजर्व पुलिस लाइन ले जाया गया। प्रदर्शन करने के ऐलान के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उनके डालीबाग स्थित बहुखंडी सरकारी आवास में बुधवार शाम 6 बजे से ही नजरबंद कर दिया गया था। तो प्रदेश में आज शांति मार्च निकालने वाले थे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, लखनऊ में भी इसी के चलते आज शांति मार्च निकालना था पेगासस मामले को लेकर। साथ ही साथ जिस तरह से ऑक्सीजन के अभाव से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, उसको लेकर भी आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता शांति मार्च निकालने वाले थे। वहीं इससे पहले ही पुलिस इस मार्च को लेकर अलर्ट थी और उन्होंने अजय कुमार लल्लू को उनके आवास पर ही अरेस्ट कर लिया है, यानी कि अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया है और उन्हें ये बोलते हुए रोका गया है कि इस प्रदर्शन की, इस मार्च की कोई जानकारी नहीं थी पहले से, तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है ताकि इस तरह का कोई प्रदर्शन ना हो सके, कांग्रेस मार्च ना निकाल सके पेगासस मुद्दे को लेकर। तो पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, बुधवार शाम 6 बजे से ही उन्हें नजर बंद कर दिया गया था। कानपुर जिले के गोविंदनगर थाना में एक नाबालिग ने अपने साथियों पर रेप करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। नाबालिग के मुताबिक उसके साथियों ने मॉडलिंग वीडियो शूट करने के लिए उसे होटल बुलाया। इसके बाद उसके साथियों ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर उसे पिला दी और उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। किशोरी की चीख पुकार सुनकर होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उसके परिचित कुछ लड़के थे, उन लड़कों ने उसे फोटोशूट और मॉडलिंग के लिए बुलाया था और उसी समय उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिला के उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पे मारपीट की। इस संबंध में बच्ची से बातचीत की गई और उसकी तहरीर ली जा रही है और तहरीर मिलने के बाद इसमें आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो परिचित जो लड़के थे के ऊपर बच्ची ने आरोप लगाया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। सोनभद्र जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के तेलाड़ी सिमरिया गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य में बुनियाद की खुदाई करते समय एक नदी से भगवान की मूर्ति निकल गई। मूर्ति निकलने से ये खबर आसपास के क्षेत्र में फैल गई और लोग मूर्ति देखने के लिए पहुंचने लगे। जानकारी के अनुसार सिमरिया गांव निवासी सीताराम मौर्य का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आया था, जिसको बनवाने के लिए अपने खेत में बुनियाद के खुदाई का काम कर रहे थे। बता दें कि जमीन से करीब 4 फीट नीचे से एक नंदी भगवान की मूर्ति निकली, जिसके बाद सीताराम के लड़के सुभाष ने मूर्ति को साफ पानी से धोकर उसे घर के दरवाजे पर रख दिया।
आए दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जलौन के कोच तहसील के कैलिया थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ही गांव के तीन घरों को निशाना बनाया, जहां से चोरों ने लाखों के आभूषण और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद गांव में हंगामा होना शुरू हो गया। बता दें कि इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी लेते हुए पूछताछ कर घटना को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने की बात कही है। 20 तारीख को रात्रि में करीब 2 बजे हमारे यहाँ सीढ़ी लगा के 4 लोग उतरे और भी लोग अंदर घुस गए रूम में। उसके बाद उन्होंने उसमें तोड़ फोड़ की, हमारा सामान चुराया। 2 जोड़ी पायल थी, झुमकी थी और मंगलसूत्र था, एक मंचली थी सर, 20,000 रुपए। आयकर विभाग ने 2 बड़े मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई की है, जिसमें एक प्रतिष्ठित अखबार है, वहीं दूसरा यूपी का एक निजी न्यूज चैनल है। आपको बता दें कि आईटी विभाग ने दोनों ही संस्थाओं पर छापेमार कार्रवाई की, साथ ही वहां काम कर रहे कर्मचारियों के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो घर पर मीडिया संस्थाओं पर आईटी विभाग यानी कि इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी की गई है, साथ ही साथ कर्मचारियों के घर पे भी छापा मारा है इनकम टैक्स ने। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला बुजुर्ग दंपत्ति को पीटते हुए दिखाई दे रही है। वहीं घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र में कन्या पाठशाला स्कूल की छत पर 25 साल के युवक का शव पड़ा मिला। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी, मृतक युवक के मामा राजेंद्र और रंजीत से पूछताछ की। उनका कहना है कि काफी समय से ईश्वर नशे का आदि था। युवक आए दिन तरह तरह के नशे करता था। नशा करने से रोकने और डांटने पर मारपीट के लिए आमदा हो जाता था, घर में तोड़फोड़ भी कर देता था। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक व्यक्ति है, गंगा पुत्र है, ईश्वर है नाम इनका, और पुत्र है गंगा शरण। ये छपरौली हापुड़ के रहने वाले हैं। अपने मामा के घर ये रहते थे, बचपन से ही यहाँ पैदाइश हुई थी और आज इनका शव मिला है प्राइमरी स्कूल की छत पर। इनके मामा द्वारा बताया गया कि ये नशा करता था, नशे का आदि था। अब पीएम के पश्चात ही पता चलेगा कि किस तरह से इनकी मृत्यु हुई है। देखने में लग रहा है या तो नशे कर या किसी अन्य वजह से केमिकल था कि या तो पॉइजन की या नशे करण। तो कितने समय से यहाँ पे लगभग रह रहा था ये? यहाँ बचपन से यहीं पैदाइश हुई थी, इनके मामा द्वारा बताया गया। बुलंदशहर के अनूपशहर तहसील के अंबा गांव से 2 दिन पहले अगवा हुए 7 साल के बच्चे का पुलिस कोई सुराग नहीं निकाल पाई है। पड़ोसी के घर के सामने खेलते समय बच्चा गायब हुआ था। वहीं इस डॉग स्क्वाड और ड्रोन से तलाशी की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस आगे की तलाश में जुटी हुई है। हमारा बच्चा 19 तारीख से 2 बजे से गायब है। धर्म सिंह के घर के आगे खेल रहा था वो। उसकी लड़की ना किसी बहाने से अपने घर में रखा और 2 बजे के बाद में हम ढूंढने निकले तो बच्चा हमारा गायब हो गया था। ये बच्चे के पिताजी हैं, इतने घर के परेशान हैं। धर्म सिंह के और उसके बच्चे के नाम पर और उसकी लड़की बहू के नाम पर हमने FIR भी दर्ज करा दिया। पुलिस ने उसको उठा लिया है, पर उससे कुछ भी पूछताछ नहीं कर रहा है प्रशासन। 3 दिन हो गए सर, बच्चा किस हालत में, कैसी स्थिति में, क्या कर रहा होगा? जो बच्चा 2 दिन नहीं रह सकता उसको 3 दिन हो गए हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं। शहर में मुकदमा पंजीकृत होकर तो पूरा प्रयास किया जा रहा है। 4 टीमें गठित की गई हैं, सभी टीमें अपना पूरा वर्क कर रही हैं। कॉम्बिंग की जा रही है, डॉग स्क्वाड मंगाया गया है, कल भी मंगाया गया था, आज पुनः मंगाए गए हैं। उनके द्वारा सर्च तलाशी जो भी प्रक्रिया है वो की जा रही है। 4 टीमों में से 2 अलग थानों से भी लगाई गई हैं, उनको भी बुला करके पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे सकुशल बरामदगी जल्द से जल्द की। आगरा में दबंगों द्वारा जमीन कब्जे का मामला सामने आया है। जमीन बंटवारे को लेकर जमकर विवाद हुआ। दबंगों ने पिता बेटे पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। अवैध तमंचे से गोली मारने की धमकी दबंगों ने BSF फौजी को भी दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता बेटे को गंभीर हालत में CSC केंद्र
बहा में इलाज के लिए भर्ती कराया। बता दें कि जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल सहित अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर मामले से अवगत भी कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजनगरी आगरा में योगी भूत ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने राजकुंद्रा पर अश्लीलता फैलाने एवं भारतीय संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया है। ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक फूल सैयद चौराहे पर एकत्रित होकर बॉलीवुड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही राजकुंद्रा का पुतला भी फूंका। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर का कहना था कि बॉलीवुड में फिल्मों के माध्यम से लगातार अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, बोल्ड सीन के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है, ऐसी फिल्मों कलाकारों को और डायरेक्टरों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देना चाहिए और अश्लील वेब सीरीज और अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पुतला जैन जे किया गया है, राजकुंद्रा ने एक बहुत ही घटना जो कृत्य किया है वह बहुत ही भयानक है और बहुत ही अश्लील जो कृत्य और जो मूवियों की शूटिंग जो चल रही थी मुंबई के मड़गांव में बंगले पर किराए पर लेकर, राजकुंद्रा जो कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का पति है वह छोटी छोटी बच्चियों से ऑडिशन के नाम पर लालच देकर वहाँ पोर्न फिल्म बनवा रहा था। ये कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति को अपमान करने का षड्यंत्र है, पाश्चात्य संस्कृति को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। बॉलीवुड में नग्नता, जो किसिंग के सीन, जो बोल्ड सीन और ये जो दिखाए जाते हैं नग्नता अश्लीलता, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इससे हमारी समाज में गलत प्रभाव पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं, इनको बिगाड़। आगरा के कोतवाली क्षेत्र में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एडीजी के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। छोटे बच्चे और एक महिला है, किसके वजह से ये घटना हुई प्रथम दृष्टया मतलब लग रही है, क्योंकि डॉग स्क्वाड बुलाया गया है और अधिकारियों द्वारा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।